Assalamu alaikum. Here I am again with Bright Sides. आज बड़ी जबरदस्त एक शख्सियत तुम्हारे साथ मौजूद है She is a beautiful woman. She is a very successful entrepreneur. मैं कहती हूँ हमारी जुबान लकड़ी की तरह खुश्क हो जाए तभी भी वो कम है जो उसने हमें दे दिया नवाज दिया अल्लाह का जब आप शुक्र करते हैं तो आपको उससे कहीं ज्यादा मिलना शुरू हो जाता है वेरी गुड फिलेंथ्रोपिस्ट आई वॉज मे बी सेवेंटी एंड हाफ जब मेरी शादी हुई मेरा बेटा भी हुआ और uh, it did not work. जब मैं अपने घर आई और अपने एक बेटे के साथ तो माए फादर ने कहा कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप अपनी तालीम को कंटिन्यू करें मैं कर, नहीं, कर, नहीं डैडी मैंने तो अपने पाँव पे खड़े होना है जितनी वो खूबसूरत है उतनी ही वो कामयाब है उतनी ही वो अच्छी है उतनी ही वो धीमी है अगर कोई बच्ची आपके पास आके ये कहती है

और मैं इसलिए देखती हूँ कि जो ख़ुशियाँ हैं वो तो आपकी अच्छी खुशगवार यादें होती हैं लेकिन जो आपके ज़िंदगी के उतार चढ़ाव जिसमें आप ना खुश हों या अच्छा ना हुआ हो वो इसलिए देखते रहना चाहिए कि आप उन एक्सपीरियंसेस से लर्न करते हैं आप आज बैठकर ये सोचते हैं कि काश मैंने इसको इस तरह से किया होता तो शायद बेहतर हो जाता सो so, uh, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं अपने बुरे एक्सपीरियंसेस से और सब के लिए uh, वो लर्न करें ताकि यू आर प्रपेर फॉर द नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस जो कि आपके फ्यूचर में आपके लिए आएंगे ज़रूरी नहीं है कि वही हो बट शायद उनसे मिलते जुलते आ जाए ये तो हो गया एक पोलिटिकली करेक्ट जवाब कोई एक ऐसी चीज़ कोई ऐसा एक एक्सपीरियंस जिसको आपने मुड़कर देखा और कहा हाँ भी इससे मैंने ये सीखा अगर आइंदा कुछ इसका मिलता जुलता होगा तो मैं बजाय ये करने की मैं ऐसे करूँगी हाँ जी मैं बताती हूँ हमारे सेलों में आ, बहुत से लोग आते अब तो खैर डिफरेंट ज़रा माहौल हो गया लेकिन आ, जब वो तशरीफ़ लाती थी ख़वा तो वो एक एक नख़ोत और एक किब्र के साथ आती थी और मुझे पहचान नहीं होती थी कि ये किसकी वाइफ है यू you नो know? और उनके साथ अगर ना सही तरीके से उनको प्रोटोकॉल जैसे आजकल कहते हैं ना दिया जाए तो फिर वो जाते हुए धमकी दे के थे आपको पता नहीं ना कि मैं कौन हूँ और अब आप जो है अगली दफ़ा ज़रा ख्याल रखिएगा मैंने कहा मैम आपने यू टेकन द सर्विसेज यू हैव टू पे नो देट यू सैट कि आप कोई हैं तो आइए मैं आपको डिस्काउंट देती हूँ नहीं मैंने तो फ्री लेना है ठीक है मतलब ये एक डंके की चोट पे मैंने फ्री लेना है तो सॉरी जी फ्री तो नहीं लेकिन कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा तो वो बहुत ही नागवारी के साथ पैसे इस तरह फेंकती हैं ठीक है तो मैंने कहा बहुत शुक्रिया तो फिर चली गई उसके बाद जी नोटिस आने शुरू हो गए ठीक है इनकम टैक्स के नोटिस आ गए मैंने कहा है ये कहाँ से आ गए मतलब टैक्सेस हम दे रहे हैं आ, लेकिन उसमें उन्होंने पिछले तमाम जब तो फिर अब खैर वो ज़ाहिर इस तरह की चीज़ें अगर किस कोई बिजली वाली थी तो बिजली कट गई टेलीफोन उस ज़माने में होता था तो लाइन में इतनी डिस्टोर्शन और एक बंद हो गया तो एक चल रहा है शिकायत शिकायत सो so, इससे मैंने क्या लर्न किया इससे मैंने ये लर्न किया कि आते ही सबसे पूछें कैसे आप कौन हैं आप ठीक है ना मतलब तरीक़े के साथ तो फिर आ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आपको प्रोटोकॉल देकर खुशी होती है क्योंकि वो इतने हम्बल होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिसको आपको चारों नाचार जो है वो करना पड़ता है इज़ फाइन आई थिंक इट्स अ सर्विस इंडस्ट्री और उसमें आपको इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए सो आई लर्न के मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मेरी नेटवर्किंग बेहतर होनी चाहिए मुझे अपने सिर्फ काम से शौक़ था मोहब्बत थी लेकिन ये कभी भी नहीं था कि मैंने किसी दावत में जाना है किसी के इनविटेशन को मैंने रद्द नहीं करना है अब ये चीज़ें जो हैं वो मैं बेहतर तरीके से हैंडल करती हूँ तो ये तो बिल्कुल डाउन राइट और बुलिंग हुई ना? उस जमाने में ऐसे कोई अल्फाज नहीं थे हुँ, हुँ. अब है अब अब तो कोई मुझे बूढ़ा कह के देख हेयर कहो जरा मुझे मेरी खुशकिस्मती के ना जाने कितने अरसे से मैं आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ थी। और ये मैं कैमरे के ऊपर कह रहा हूँ लेकिन और हमने बहुत सा काम भी इकट्ठे किया शूटिंग्स भी की इकट्ठे और और भी बहुत सारे काम किया। और आप तो काम किए बेशुमार किया लेकिन मुझे कभी आपकी तबीयत में मिजाज में कोई सख्ती दुरुष्ती कोई कड़वाहट का शायबा नहीं है तो जिस शख्स के साथ इस किस्म के मामला हों कि कोई फलाना की बेगम आ गई उन्होंने धमकी दी नोटिस बिला वजह के आ गए फोन कट गए बिजली कट गई हरासमेंट हो रही है तो तबीयत में कड़वाहट आना तो एक कुदरती बात है तो ये कड़वाहट कैसे रोकती हैं इस मुल्क में तो सड़क के ऊपर आम शख्स की तबीयत में कड़वाहट आ जाती है गर्मी से मसाइल से किसी के साथ ज्यादा हो तो वैसे गुस्सा आता है करे रही आज ये क्या तरीका है अभी मैं तो काम करी अपना क्यों नहीं आने दी वो कड़वाहट कैसे रोकी वो वो मीठी कैसे रही आप इतना आरसा तरबियत दिस कम्स फ्राम योर तरबियत और मेरी तरबियत में मेरे वाले का बहुत बड़ा हाथ मैंने अपनी माँ को और डैडी को कभी जोर से बात करते नहीं देखा uh, उनके कमरे में शायद मुझे नहीं पता लड़ते झगड़ते भी होंगे लेकिन हमें आवाज़ कभी बाहर नहीं आती थी और हमारा घर ऐसा था जहाँ पर हम सब बहन भाई माशाल्लाह अ बिग फैमिली सिक्स सिस्टर्स एंड टू ब्रदर्स आई वाज़ द एल्डेस्ट तो uh, मैंने कभी माँ को बदजुबानी करते हुए नहीं देखा या डैडी को कभी ग़ुस्सा करते मतलब हम हमें हैरत होती थी कि आज डैडी ने ग़ुस्से से बात की है यू you नो know, वो इस तरह का था तो हम सब के अंदर मुझ समेत मेरी तमाम बहन भाइयों में एक ठंडा पान है और जब कोई इस तरह से ज़ोर से बोल रहा हो या आ, मुझे लग रहा है कि ये मेरे साथ ज्यादती भी कर रहे हैं तो यू you नो know, जिसे कहते हैं ना कि गुस्सा पी जाना चाहिए आप पानी पी लीजिए आप बैठ जाइए हजरत अली के अकवाली जरिए में से आई थिंक इट इन अस एक और सवाल फिर मुझे और पूछने तो आज के दौर में पिछले पंद्रह बीस सालों में मुझे लगता है कि हमारा मिजाज बतौर सोसाइटी कुछ दुरुस्ती की तरफ चला गया है जुबान में सख्ती ज्यादा है कड़वाहट ज़्यादा है मिजाज जो है वो एक दूसरे को छुएँ तो स्पार्किंग होती है बीस पच्चीस तीस साल पहले ठंडे थे अब शायद समाज ही गर्म हो गया तो ऐसे समाज में जो आप रहती है दिन रात तो उसका असर नहीं होता आप देखती नहीं करें यार क्या जरूरत थी इस बात पर लड़ने की या ये क्या झगड़े की कोई बात है या इसमें इस बदजुबानी वाली कौन सी बात थी वो असर अंदाज नहीं होती बिल्कुल होती है क्योंकि मैं हैरान हो जाती हूँ कि कितनी छोटी छोटी बातों पर लोग झूठ बोलते हैं जिसकी जरूरत नहीं होती आप ये झूठ क्यों बोल रही हैं या क्यों बोल रहे हैं तो इसमें इतने गुस्से की क्या बात है तो शायद अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखें और आप अपने अपने आप को संभाल के रखें तो आगे वाला जो होता है उसके ऊपर कुछ तो आप आपका एक दैज़ टू बी एन और अबाउट यू एक पॉज़िटिव और जो कि एमिट करे वो पॉज़िटिविटी जो कि दूसरे को टच करे और वो टच उस वक्त करती है जब आप कोई भी चीज़ अपने दिल से कर रहे होते हैं नेकी के साथ नियत अच्छी के साथ जितने भी हमारे इर्द गिर्द नेगेटिविटी है या लोगों का मिजाज गर्म हो गया या कंपैटिबिलिटी कम हो गई है ये सारी चीज़ें जो हैं वो आ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हम ठीक नहीं कर सकते हैं हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं अगर हम ख़ुद अपने आप को ठीक कर लें हम दूसरे के ऊपर तनकीद करने में हमें कोई ही नहीं है Uh, दूसरे के बारे में गलत बात करना इट्स लाइक अ हॉबी यू नो आप उठ के जाइए मैं आपके बारे में गलत ही बात कुछ बोल रही होंगी या जानती भी नहीं होंगी तो इतने वसूख के साथ वो झूठ बोला जा रहा होता है कि अगला जो आपका शायद बहुत पुराना जानने वाला हो अच्छा मैं ये तो नहीं जानता था लेकिन हो सकता आप जो कह रही हैं वो ऐसे ही होगा सो यू नो लाइक आई थिंक दिस एटीट्यूड ऑफ आ पीपल उसमें मैं समझती हूँ कि तालीम का फकदान है तालीम वही कहीं पीछे और बहुत ख़राब हो गई है और मज़हब से दूरी भी है क्योंकि मैं ये नहीं समझती कि आ, अगर कोई आ, किसी को तालीम नहीं मिली तो कौन सा ऐसा घर है और कौन सा ऐसा शख्स है जो हम मज़हब हों जिन्होंने कुरान ना पढ़ाओ और अगर कुरान पढ़ा है तो माँ बाप कुरान पढ़ा के हम बिसम्ला करते हैं मिठाई बांटते हैं आज कुरान ख़त्म कर लिया पाँच छः सौ साल के बच्चों ने कुरान पढ़ लिया कोई मिठाइयों पे मिठाइयाँ बढ़ जाती हैं लो जी मैंने तो अपना फ़र्ज़ पूरा कर लिया नहीं क्योंकि अगर मैं अपने बच्चों को तालीम नहीं दे पा रही हूँ और मैं कुरान पढ़ा रही हूँ तो उसका मतलब समझाना जो है वह हरगिस इसका ये मायने नहीं है कि एक पाँच साल का या सात साल का बच्चा या बच्ची आलिमा और आलिम बन जाएंगे लेकिन जैसे ही माँ बाप को यह समझ में आता है कि मेरे बच्चे जो हैं वो गुनाह और सवाब को डिफ्रेंश कर सकते हैं अच्छाई बुराई के बारे में सोच रहे हैं छोटे बड़े का लिहाज कर रहे हैं प्यार और मोहब्बत की बातें करें दिस इज वेयर आपकी वो क़ुरान और मज़हब की तालीम आती है जिसमें आप उनको उनके शूर को बेदार करते हैं ठीक है उससे दो चीज़ें होती हैं बच्चे तो बहुत समझदार होते हैं वो तो हर चीज़ ऐसे करके पकड़ते हैं लेकिन वो माँ बाप उन्होंने बचपने में कुरान पढ़ा होगा जब वो भी अपने बच्चों को उसके बारे में समझा रहे होते हैं या उसके हिसाब से मेरी बच्ची ने मुझसे सवाल किया अब मुझे उसका जवाब नहीं पता तो राधा दिन कि मैं आए बाएँ शें उनको कहानी सुनाऊँ टेक टाइम और किसी से आप मदद लीजिए और उसके बाद उनको समझाइए बट अनफॉर्चुनेटली अगेन हमारे बच्चों को जो पढ़ाया जाता है इस्लामी तालिमात के हिसाब से चाहे वो कुरानी सही मौलवी साहब आते हैं या अब ख़वात भी पढ़ाती हैं बस पढ़ा दिया डेट्स इट सो नाउ इट्स टाइम दैट वी शुड एक्चुअली इन तमाम चीज़ों को सोचें हम एज एज अ जेनरेशन मैं समझती हूँ मैंने तो मैं तो फेल हूँ क्योंकि मैंने जब मैं अपने बच्चों की तरफ देखती हूँ तो मैं उन बच्चों को उनके बच्चों को जो तालीम मिल रही होती है जो सवाल जवाब का तरीका एकार होता है एंड वो जितनी अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं वो बहुत बहुत प्यारा है मतलब मैं अपने अपने बच्चों की बात कर रही हूँ हो सकता है कि बाक़ी घरानों में ऐसा नहीं होता होगा मेरा बेटा कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है इंडस वैली में डिफरेंट विजिटिंग फैकल्टी में है उसका एक बेटा है Uh, मेरी बेटी जो है वो मेरा बिजनेस लुक आफ्टर करती है और उसके दो बच्चे हैं बट ब्यूटिफुली रन यू नो हाउस होल्ड टाइम मैनेजमेंट है हर एक की जिम्मेदारियाँ हैं uh, बहुत अच्छा है हुँ, हुँ. और होना भी चाहिए दो मुझे मेजर चीज़ें आपसे पूछनी है बारी बारी पहले सिर्फ डेपिलेक्स एंटरप्रेन्योरशिप है बिज़नेस है 1980 की दिहाई में काम शुरू किया अब ये वो दौर है जब रुपए पैसे किसी के पास नहीं हुआ करते थे गाड़ियाँ बहुत कम हुआ करती थी इंटरनेट नहीं हुआ करता था फेसबुक यूट्यूब का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था और उस जमाने में फॉर ए यंग लेडी टू स्टार्ट ए बिजनेस ऑफ मेकअप विच वज फेली अनहर्ड ऑफ अब तो आम हो गया अब तो रोल मॉडल बन गई आप कैसे शुरू हुआ और पहले जो कुछ अदवार थे कुछ महीने कुछ साल कितने मुश्किल या कितने आसान थे आई स्टार्ट वेरी यंग आई वॉज मे बी सेवेंटीन एंड अ हाफ जब मेरी शादी हुई और uh, मेरा बेटा भी हुआ और इट डिड नॉट वर्क लेकिन मेरे वालद उस ज़माने में विजनरी uh, उनकी उनकी सोच थी यू you नो know? जब uh, मैं अपने घर आई और अपने एक बेटे के साथ तो मेरे वालिद ने अच्छा जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे बहुत शौक था डॉक्टर बनने का और मैं पढ़ भी रही थी साइंस में तो माय ओनली क्वेश्चन टू माय फ़ादर वाज डैडी मुझे पढ़ना है मुझे डॉक्टर बनना है तो माय फादर सेड दे प्रमिस्ड कि वो दे लेट यू स्टडी मैं खुश और छोटी थी तो वो तो बहुत ही खुशी की बात थी गोटे किनारी और जोड़े बन रहे थे वगैरह वगैरह बट जब ये सारे वाक़ के बाद जब मैं वापस आई तो मैं ने कहा कि अब मेरी कोई बेटी जो है जब तक तालीम मुकम्मल नहीं कर लेगी उसकी शादी नहीं होगी और तुम्हें मसरत आ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप अपनी तालीम को कंटिन्यू करें मैंने कहा नहीं डैडी मैंने तो अपने पाँव पे खड़े होना है एट दैट टाइम वर नो सर्च वर्ड्स एट्स एम्पावरमेंट और एंटरप्रनरशिप और मैंने बिजनेस नो 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 माई ओनली थाट एट दैट टाइम वॉज के मुझे अपने बेटे को uh, अपनी मेहनत से आगे बढ़ाना है और पढ़ाना है uh, छोटा था वो बिल्कुल मुन्नासा बच्चा बट माई फादर वज़ देयर एंड माई मदर वॉज देयर ठीक है हमारी फैमिली हालात अच्छे थे आई वेंट अब्रॉड और मैंने अपना कोर्स किया ब्यूटी का अच्छा आप पूछें ब्यूटी का क्यों किया uh, उस ज़माने में जैसे आपने कहा नेट वग़ैरह नहीं होते थे हमने डिफरेंट कॉलेजेज वोकेशनल सेंटर्स वहाँ पर लेटर्स लिखे uh, के कोर्सेज के हवाले से जो पहला लेटर आया वो एक ब्यूटी स्कूल का आया सो देन आई वेंट टू लंडन आई स्टेट देयर आई लेफ माई सन विद माई पेरेंट्स जब मैंने वो uh, अपना कोर्स किया तो मैंने दिल में सोचा इससे बेहतर था कि मैं मेडिकल कर लेती क्योंकि उसमें इतनी डिटेल्ड uh, uh, तालीम होती थी uh, जो कि शायद लोग समझते हैं कि ब्यूटी सैलून का और पार्लर का मतलब ये अच्छा मेकअप कर लिए और बाल बना लिए बट इफ़ यू आर अ गुड प्रोफेशनल तो आपको उसको बेहतर तरीके से सीखना पड़ना होता है सो देन वन आई केम बैक आई वॉज इन फॉर अनदर सरप्राइज़ तो मेरे वालिद साहब और मेरी वालदा ने मेरे लिए एक सैलोन सेटअप करके रखा हुआ था जैसे आपका ये सेटअप करके मे जो इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है तो मैं जब दाखिल हुई उस अपार्टमेंट में तो मैंने कहा डैडी ये तो बारबर शॉप है हाँ मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पर ऐसी कुर्सियाँ रखी होती हैं और इतनी ऊँची कोई मैं कह डेडी इसमें खात नहीं बैठ सकती हैं ओह अच्छा तो फिर अब क्या करें मैं कह चले मैं कुछ अर्से इसको इसी तरह कर लेती हूँ सो दिस इज़ हाउ आई स्टार्टिड माई प्रैक्टिकल लाइफ शायद घर का माहौल तरबियत जैसे मैंने आपको कहा फिर आ, मेरे वालिद मेरे लिए एक ऐसी दीवार थी जो मुझे गिरने नहीं दे सकते थे अनफॉर्चुनेटली ही पास हुए लास्ट ईयर एंड तो मुझे लगता है जैसे um, अब मेरी वो जो डैडी से जो मजबूती थी वही मजबूती मेरे अंदर है फॉर माय डॉटर फॉर माय सन एंड फॉर देर चिल्ड्रन आल्सो क्योंकि अब वो मैं नानी और दादी हो गई हूँ तो छोटी उम्र में जब वो प्रैक्टिकल लाइफ शुरू की तो उस वक्त ये तो बहुत अच्छा था कि देर वॉज़ अ सपोर्ट अ गुड फैमिली सपोर्ट अ गुड फैमिली नेटवर्क बट लर्न करना हमारे मुल्क के हवाले से खतान के लिए आई वॉज़ यंग और मैं अच्छी थी है, अभी है। ये तो इसने पहले ही कह दिया था कि शुरू से ही तुम मुझे बहुत प्यार करते हो है ना? तो um, उस वक्त ज़्यादा थी वे <laughs> फिर आई ऑल्सो लर्न जैसे मैंने आपको अपने बैड एक्सपीरियंसेस सिखाए मुझे आई हैव टू लर्न द एंड नो अबाउट द लॉज एंड रूल्स ऑफ द लैंड के लॉज क्या हैं mm -hmm. तो उसके लिए मुझे अपनी तालीम को और आगे बढ़ाना था क्योंकि फ़र्स्ट ईयर मैं पहुँचने के बाद तो काम शुरू कर दिया फिर मैंने अपना इंटर किया जो इंटर साइंस फिर उसके बाद फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन की वाइल्ड आई वाज डूइंग ऑल दैट मैं अपने कोर्सेज़ के भी चीज़ें जब मेरे वालदे या घर वाले छुट्टियों पे जा रहे होते थे तो मैं हमेशा देखती थी कौन सा कोर्स है जो कि इस वक्त यू नो लाइक वुड गो अब्रॉड तो हम सब बहन भाई मिल के कोई एक हमारा घर बहुत अजीब था तो हम लोगों की छुट्टियाँ हमारी खुशियाँ हम ही लोगों के साथ थीं एंड दैन सबको एक आज़ादी uh, थी यू नो लाइक अगर मेरी बहन uh, तलत जिसको हम तानी कहते हैं वेन यू वर इन अमेरिका शी सर आई वुड लाइक टू डू फाइन आर्ट्स तो और आर्ट्स कॉलेज में उसने अपना एडमिशन लिया एंड यू नो शी जस्ट स्टेट बिहाइंड ठीक है चलो हमें आसानियाँ थीं हमारे घर में अल्लाह ताला ने आसानियाँ दी हुई थी तो हम ये सारी चीज़ें कर सकते थे अगर ना भी करते तो देन आई लर्न थ्रू द पैसेज ऑफ टाइम के ऐसी बच्चियाँ ऐसी खातन जिनके माँ बाप शायद इतने यू नो फाइनेंशली वेल ऑफ नहीं हो सकते वो कैसे काम करती हैं वो उनको कैसे आगे बढ़ना है उसके लिए मेरे पास सिर्फ एक ही हल था वट एवर आई हैव लर्नड वट एवर आई हैव अर्न नॉलेज एजुकेशन ट्रेनिंग आई हैव टू और डेपिलेक्स जो शुरू हुआ पहला दिन और गुज्ता कल बयालीस साल चालीस इकतालीस बयालीस साल कितना एक्सपेंड कितना हुआ माशा वी गॉट एटी ब्रांचेज़ ऑल ओवर पाकिस्तान और उन एटी ब्रांचेज़ में ऑन एन एवरेज थर्टी थर्टी फाइव बच्चियाँ काम करती होंगी नाउ आ वर्ड्स, जो कि हम कहते हैं ना कि दे आर एम्पावर्ड ये इंटरप्रीनियोरशिप है सो so, uh, वो सारी बच्चियाँ जो हैं वो अपने पाँव पर खड़ी हुई हैं उनको ट्रेनिंग डेप्लिक्स के हेड ऑफिस से मिलती है और उस ट्रेनिंग के अंदर सिर्फ टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं होती है उसमें बहुत सी चीज़ें बताई जाती हैं जिसमें मैनेजमेंट भी है वगैरह वगैरह आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय स्टाफ ऑल ओवर पाकिस्तान आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट खतान का एक ऐसा अदारा जहाँ पे सारी ख़वातें दो चार गिनती के गने चुने मर्द होते हैं वो भी बेचारे डरे से हमें बैठे रहते हैं कोई अकाउंट्स को देख रहा होता है या कहीं बाहर के काम करने के लिए दादा चपरासी नहीं मैनेजमेंट में सो so, अगर देखा जाए तो डिप्लेक्स जो है वो एक ऐसा इदारा है जो एक्चुअली एम्पावर्ड खीन के साथ काम कर रहा है एंड दे ऑल वेरी हैप्पी और उसके साथ आपने 2003 में शायद या पाँच में एक और काम शुरू किया और वो है स्माइल अगेन का व्हाट इज़ अगेन उसके बारे में बताइए क्या ख्याल आया और किसके लिए है और ये अब कहाँ पर है गुज्तर पंद्रह अठारह सालों के बाद ओके सो अगेन फाउंडेशन जो है वो उन खतियों और बच्चियों के लिए जिनको तेजाब या मिट्टी के तेल से जला दिया जाता है कैसे ख्याल आया आई थिंक अल्लाह ताला हम सबको मौका देता है कि आप कोई बेहतर काम करें चाहे आप पैसे निकाल के किसी गरीब को दे रहे हों या अपने खाना बचा हुआ जो है वो आप रेस्टोरेंट से निकले और आपने किसी गरीब को पकड़ा दिया ये सब वो नीकियाँ हैं जो आपके दिल के अंदर मौजूद होती हैं और आप करते हैं लेकिन आप ये काम उसी वक्त बेहतर तरीके से करते हैं जब आपकी अपनी टिड भरी हुई होती है ठीक है अगर आपको पता होता है कि मेरे बच्चों की फ़ीस मेरे जो घर के तमाम अखराजा हैं वो मुकम्मल हो रहे हैं और फिर भी मेरे पास कुछ बचा हुआ है तो फिर आप दूसरों के लिए बेहतर तरीके से कर सकते हैं सो बींग इन द ब्यूटी फील्ड वॉज ऑल अबाउट ग्लैमर खूबसूरती फ्राम मॉडल्स टू एक्ट्रसेस टू टी वी प्लेस टू मूवीज़ हर चीज़ से खूबसूरत होनी चाहिए खूबसूरत हाँ एंड उस पर uh, अगर कोई बच्ची आपके पास आके ये कहती है कि आप जो इतनी बड़ी ब्यूटिशन बनी फिरती थी मुझे ठीक करें एवन शी रिमूव्ड हर वेल शी वॉज विदाउट अ फेस इतना बुरी तरह से उसके चेहरे के ऊपर तेजाब था कि उसकी नाक की जगह सुराख आँख नहीं थी गर्दन चिपकी हुई थी एक हाथ बिल्कुल ठीक था जिससे मुझे अंदाजा हुआ कि एक प्यारी बच्ची होगी मैं इनको बिठा ला और मैं अपने ऑफिस चली गई बिकॉज मुझे मैं मुझे समझ में नहीं आया अगर लोग कहते हैं ना कि जान जो है ना वो पाँव से जाती है तो मेरी जान उस hmm. मैं बैठ नहीं खड़ी थी मैं बैठ गई मुझे नहीं समझ में आया यू नो आज के कल आ जाए ना मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलूँगी बेटे मैं मेकअप से नहीं कुछ कर सकती इसी तो से मैं कहाँ जाऊँ मैंने कहा आप कहाँ से आई हैं तो शी वॉकड ऑल द वे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन टू पी टी वी टी में जो भी साहब थे उन्होंने उनको जो छोटी सी खिड़की के बाहर लोग अपनी दरखास्तें देते हैं उस पर उन्होंने कहा अपरत मसबाग के पास चले देन फ्रॉम देर टू गुलबर्ग एंड वन शी वॉक एंड आई कुड सी कि वो वाकई झूठ नहीं कह रही है तो उसको उसको फिर रात को ठहराया लेकिन uh, जब मैं अपने घर गई तो मैंने गिड़ गिड़ा के अपने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी कि मैंने क्यों नहीं ये चीज़ें पहले सोची या देखी ऐसा नहीं था कि मैं बेहतरी नहीं कर सकती थी जहाँ मैंने माफ़ी मांगी वहाँ पे मैंने उसका शुक्र भी अदा किया कि कम अज़ कम उसने आज मुझे ये मौका दे दिया दिल पे कुफुल लगा था वो खुल गया वो खुल गया एंड uh, उसके बाद से 2003 के बाद 2005 में इसको uh, इसको रजिस्टर किया ऑफ़िशली uh, ताकि बेहतर तरीके से और काम कर सकूँ और उसके बाद फिर ये सिलसिला शुरू हो गया और कितनी खातन हैं जिनकी मदद सर्जरी या हेल्प या सपोर्ट अब तक हो चुकी है स्माइल अगेन के प्लेटफॉर्म से बहुत सी हज़ारों कह सकती हूँ मैं हमारे पास इस वक्त जो रजिस्टर्ड पेशेंट्स हैं जिनके ऑपरेशन अभी भी चल रहे हैं हुँ. विक्टम्स जैसे आपके हैं या सर्वाइवर्स के आ, हैं मज वी सेवन हंड्रेड एंड सेवेंटी सिक्स सेवेंटी फाइव जिसमें ख़वान हैं बहुत पहले जली हुई भी, भी हैं आज कल भी जल रही हैं बच्चे भी शामिल हैं और कुछ मर्द हजरात भी हैं तो उनको हम लोग फ्री मेडिकल हेल्प एंड सपोर्ट देते हैं जब वो अपने और एक बच्ची का एक ऑपरेशन से कुछ नहीं होता दे हैव टू गो थ्रू मल्टीपल सर्जरीज तीस चालीस पचास जिसका मतलब है सालों के ऊपर मुहित होता है उनका ट्रीटमेंट और उसके बाद फिर जैसे ही उनके हाथ जैसे जुड़े हुए खुल गए गर्दन यूँ हैं खुल गई आँख का ऑपरेशन हुआ और उनकी बिनाई बाकी है तो फिर हम उनको कोई ना कोई ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं जो उनके जो उनकी ख्वाहिश होती है अच्छा मैं समझती थी कि ज़्यादातर क्योंकि साउथ पंजाब से आती हैं तो मैं समझती थी सिलाई कढ़ाई कशीदाकारी वगैरह ऐसी चीज़ें जो ये बच्चियाँ एंड मोस्टली फ्रॉम लोअर इनकम ब्रैकेट तो मैं उनसे पूछती थी कहती है भाजी ब्यूटी पार्लर द कोर्स तो यू नो लाइक आई रियलाइज दैन दैट ठीक है उनकी खूबसूरती छिन गई है वह तो हैं तो वो बच्चियाँ उनका शौक़ तो है उनका उनको दिल तो चाहता होगा तो ऐसा ही ट्रेनिंग दें क्योंकि ये तो मेरा काम है ट्रेन कर दो एज अ ब्यूटिशियन तो उनको कोई रखता नहीं है तो फिर देना मेड इट मैंडेट्री फॉर ऑल माई फ्रेंचाइज ओनर्स कि आप जिस शहर में भी हैं वहाँ पर अगर कोई जली हुई बच्चियाँ तो आप एक दो बच्चियों को काम देंगे अगर वो करना चाहती हैं बहुत से जो घर वाले होते हैं वो उन बच्चियों को बाहर निकलने नहीं देते वो वॉट एवर रीज़न उनके सॉलिड रीजंस होते हैं इट्स नॉट दे डोंट लव दम इट्स जस्ट दैट सम उनके पास वसाइल नहीं होते हैं वो सोचते हैं कि इस जली हुई लड़की के ऊपर मैं पैसा खर्च करूं ठीक तो होना नहीं है यही पैसा जो है वो मैं बेटे को मोटरबाइक दिला देता हूं या किसी का और का जहेज बना देता हूं वगैरह वगैरह तो आ, वो फिर उन बच्चियों को जो काम नहीं करती हम उनको घर में सेटअप कर सकते हैं जो बड़ी उम्र की खातान हैं जो बहुत पहले जलाई गई थी लेकिन उनका कोई पुरस्ाने हाल ही नहीं है तो उनको फिर हम छोटी चुट छोटी सी टक शॉप्स खोल देते हैं उन्हीं के घरों में छोटा सा कमरा और खिड़की लगा के जिसका इनोवेटिवली हर जो बिज़नेस खोलते हैं जब उनसे पूछती हूँ नाम क्या लिखना है स्माइल टक शॉप स्माइल इंडस्ट्रियल होम एक मशीन लगा के बैठी हुई हो होगी तो वो मतलब एक बड़ी सोच के साथ काम करती है सो वो फिर अपने पाँव पर खड़ी हो जाती हैं और फिर ना सिर्फ ये कि उनके स... वो खुद अकेले काम नहीं करती हैं उनके घर का को कोई ना कोई फ़र्द उनके साथ जॉइन इन कर लेता है मोहल्ला सो फ्राम वन इंडिविजुअल टू द फैमिली टू द यू नो जो उनका मोहल्ला एंड मे बी यू नो इन शक्त के साथ साथ हमारी सोसाइटी एट लार्ज जो है वो उनसे फ़ायदे भी उठाएगी और उनकी मदद भी करेगी तो इतने उतार चढ़ाव के बावजूद चलो उतार पे इंसान का दिल दुखता है चढ़ाव पे तो चलो ठीक है काम अच्छे होते हैं दिल लगा रहता है लेकिन जब नीचे गिरता है इंसान और गिरता है नीचे कितने ही ऊपर जाए नीचे गिरते हैं सेहत का इशू होता है बिजनेस में कोई ना कोई रुकावट आती है हासियत बहुत सारे बन जाते हैं लोग तो वो टांग खींचने की कोशिश करते हैं इस मुल्क में तो बहुत ही कोशिश करते हैं और आसान भी है टांग खींचना नोटिस भिजवा दो या कुछ ऐसे हरास कर लो क्यों नहीं सोचा क्या अरे यार मौका अच्छा है क्यों ना मैं लंदन शिफ्ट हो जाऊँ अमेरिका शिफ्ट हो जाऊँ किसी और मुल्क में रहूँ आराम से ठाट बाट से गाड़ियाँ चल रही होंगी ट्रेनें चल रही हैं वक्त पे आ रही हैं बड़ी बड़ी सड़कें हैं कोई मसला नहीं है बिजली का कोई धुआं शुआ नहीं है कोई मिट्टी नहीं है सफाई भी रोज़ नहीं करनी पड़ेगी घर की <laughs> आराम से रहती हूँ मैं एक शीशे के बड़े से घर में किसी मुल्क में क्यों नहीं सोचा आपके अंदर अगर इतमान है आपके अंदर तमा नहीं है तो आपको ये बातें मायने ही नहीं रखती हैं मतलब मैं एक बड़े घर से अपने आप को मैंने छोटे शिफ्ट में इसलिए कर लिया कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी जेवरात और कप औरतों की यही ख्वाहिशात होती है ना हम छः बहनें और सब एक दूसरे के कपड़े पहन लेते हैं जूते पहन लेते हैं और एक और रास की बात बताती जो जेवर वगैरह होता है खैर अम्मा के पास तो बहुत अच्छे आ, लेकिन अगर मैं नकली भी पहन लूँ तो मुझे कोई क्वेश्चन नहीं करता ना तो इसलिए मैं ठीक <laughs> है बस मैं खुश हूँ मैं मतमिन हूँ और मैं शुक्रगुज़ार हूँ शुक्रगुज़ारी बहुत इम्पॉटेंट चीज़ होती है दिल क्योंकि अल्लाह का जब आप शुक्र करते हैं तो आपको उससे कहीं ज़्यादा मिलना शुरू हो जाता है मैं कहती हूँ हमारी ज़ुबान लकड़ी की तरह खुश्क हो जाए तभी भी वो कम है जो उसने हमें दे दिया नवाज़ दिया हम इस काबिल ही नहीं है क्या कुछ नहीं करते हैं? और हर हर जैसे अब इस उम्र में आके जैसे आपने कहा पीछे की चीज़ें भी आप देखती हैं उसमें ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ मैंने गलत ना की हो ठीक है या आ, ऐसा काम ना किया हो जो कि मेरे अल्लाह और मेरे रसूल आ, को पसंद आ, जो है वो मतलब नहीं आया होगा बट ना मैं एक कॉन्शियस एफर्ट करती हूँ नौ से मेरा मतलब ये नहीं कि अभी पिछले पिछले कुछ सालों से नो 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 फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम आई मीन अगर 18-20 साल स्माइल अगेन को हो गए तो चलो 20 साल ही समझ लो उन 20 सालों के अंदर मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी ज़ुबान मेरा तरीका मेरा रहन सहन मेरा उठना बैठना उसमें कहीं पर कोई कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो कि जिससे दूसरों के लिए Uh, वो परेशान हो या उनके दिल में एक ये बात भी आए कि ये क्या बात कर रही हैं इनको क्या मुश्किल थी सो आई आई एज क्लोज टू द ग्राउंड एज पॉसिबल मैं तो इस पर गौर करूँ कि इतमान और शुक्र लगता है ये एक ही लफ्स है अगर आप शुक्र करें तो मुतमिन रहेंगे अगर मुतमिन हैं तो वो शुक्र गुजारी में चेंज हो जाएगा कितना कितना अच्छा एक इनका आपस एक, एक, एक एक में एक रिश्ता बिल्कुल है क्या चीज़ ड्राइव करती रही आखिरी दो सवाल मुझे पता है आप मुझसे तंग हैं बहुत अरसे से कोई बात नहीं क्या चीज़ रही जो ड्राइव करती रही जब रास्ता तारीख हो जाता है तो इंसान कहता है बस यार अस्सी की जगह बीस बने होंगे डेप्लेक्स आपने कहा अरे बस बस बीस हो गया यार या पंद्रह पे का होगा अरे बस यार बहुत होगी मैं अब क्या सर के ऊपर और झमेले लूँ वट कैट यू गोइंग एंड स्टिल कीप्स यू गोइंग वट इज़ दैट ड्राइव दैट बेड एवरी मॉर्निंग क्यों बढ़ती गई आगे और वो आगे बढ़ने से मुराद सिर्फ मैं इकनॉमिकली नहीं कह रहा मैं जरा किरदार के रोमांस में भी कह रहा हूँ गुफ्तू में भी कह रहा हूँ कि हाँ भी ऐसे रखो बस को ऐसे रखो बस चलते जाओ बस चलते जाओ जब आप अच्छी नीयत के साथ कुछ भी करना शुरू करते हैं तो उसमें बेहतरी तो आती है और अगर आप इस नीयत से कर रहे हो कि इससे दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचता है तो उसमें और बेहतरी आ जाती है फिर आप प्रैक्टिकली उन लोगों के लिए मदद करें जिनको आपकी ज़रूरत है तो अल्लाह ताला गिव्स यू मैनी फोल्ड्स एंड यू नो ही गिव्स यू बैक इन मैनी फोल्ड्स और होता ये है कि उस वक्त जबकि आपको सब कुछ बहुत कुछ मिल रहा हो तो जैसे मैंने कहा मुझे कंटेनमेंट है बट मेरा बिज़नेस तो ग्रो कर रहा है यू नो वी रिसेंटली लॉन्च आवर products line. वो भी हलाल मेकअप लाइन ठीक है uh, क्यों uh, क्योंकि मैंने अंदाज़ा लगाया कि uh, ये चीज़ें ऐसी हैं जिसको ठीक होनी चाहिए और ये ठीक होकर लोगों को बतानी चाहिए हमें बताना चाहिए ये हमारा फ़र्ज़ बनता है हमारे ऊपर अगर हम अपनी uh, जिम्मेदारियों को बेहतर संभालते हैं तब हम हकूक़ की बातें कर सकते हैं तो होना भी ये चाहिए कि आप बेहतर करते चले जाइए आपको जो चीज़ें ज़्यादा होती जाएंगी फिर आप ज़्यादा लोगों को दे सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक सेलों के अंदर थर्टी थर्टी फाइव जो हैं वो कमा रही हैं तो थर्टी थर्टी फाइव घराने जो हैं वो बहरहाल उनसे मुस्तफ हो रहे हैं। और फिर एक ऐसी सोच के साथ जहाँ पर वी ट्राई टू बी एज़ शरिया कम्प्लाइंट एज पॉसिबल और उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं वैन यू नो वेन यू कम बैक टू स्माइल अगैन फाउंडेशन वो बच्चियाँ जो हैं जो uh, जिनके साथ बहुत ज़्यादा इट्स द दर्स्ट फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस वो बच्चियाँ सवाल मुझसे ये पूछती हैं कि हमने ऐसा क्या किया जो हमें ये सज़ा मिली या uh, शायद वह सोचती होंगी कि आपको क्यों नहीं मिली यू नो मतलब सो उनकी सोच बजा है क्योंकि हम हम में से किसी का भी ये प्रोगेटिव नहीं है कि हम किसी को इस तरह की सज़ा दें जिंदगी भर हमें दोज़ की आँख से जलाया जा डराया जाता है और आप ये प्रोगेटिव ले रहे हैं तो आ, उन बच्चियों को दोबारा से आ, एक पॉजिटिविटी की तरफ लाना उनको आ, उनको नमाज रोज़ा क़ुरान के हवाले से और फिर शुक्र की तरफ लाना कि ज़िंदगी नहीं मिल गई ठीक है मतलब ये कितनी बड़ी बात है ठीक है परेशानियाँ और फिर परेशानियाँ आहता आहिस्ता इतनी थी चलो इतनी हो गई बट कम तो हो गई तो जो बढ़ने का अमल है वो उसी वक्त ही बेहतर होता है जब आप उसको बेहतर तरीके से और अच्छी नीयत के साथ इस सोच के साथ इससे दूसरों को फ़ायदा होगा वो होता चले जाएगा एंड वाई शुड आई स्टॉप जब मुझे अल्लाह ताला ने न, हिम्मत भी दी हुई है आसानियाँ भी दी हुई है, हैं मेरे इर्द गिर्द अच्छे लोग हैं मेरी सोहबत अच्छी है मेरी आई एम प्राउड ऑफ माई चिल्ड्रन, माई फैमिली मेम्बर्स तो आ, मुझे रुकना जो है ना वो उस तरह हो जाएगा जैसे आप एक पौन बन जाएंगे ना स्टेगनेंट हो जाएंगे तो फिर गंदे हो जाएंगे मैं नहीं समझती कि कभी भी रुकना चाहिए चलते रहें करते रहें मगर अच्छाई तो ना शुक्री भी एक तरह की हो जाएगी रुक के क्यों अभी तो और सकत अल्लाह ने दी थी तो क्यों नहीं बिल्कुल क्या अच्छी बात बहुत सी दफ़ा ठीक है इतनी आ, आप बिजनेसिस में इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकते लेकिन अगर पर्स करें कि कोई लिखारी है उनका कलम कितनी अच्छी चीज़ें लिख सकता है बहुत से लोग जो कि जैसे मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है ठीक है और हम सब लोग एक तस्वीर खींच देते हैं और उसके बाद फिर एक कॉमेंट लिख देते हैं लेकिन कभी ये सोचते नहीं है कि इस कॉमेंट से कितना ज़्यादा मिसबत असर होगा या कितनी नेगेटिविटी फैलेगी और मैं समझती हूँ कि ऐसे तमाम लोग जो कि इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो कि हैं यूट्यूबर्स हैं यूट्यूबर्स इंस्टाग्राम है, 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 है या तजिया नगार होते हैं पहले जिसके बारे में तज़ज़िया कर रहे हैं या किसी सब्जेक्ट के बारे में उसके बारे में आपकी इतनी मजबूती होनी चाहिए कि आप उसके हवाले से बात करें और प्लीज़ दूसरे की को सुने भी मतलब आपने तो आउट रिजेक्ट कर दिया आपने आपने ये ख्याल ही नहीं किया कि पता नहीं कितनी मेहनत करके कोई इस मुकाम पर आया है कि वो अपने आप को डिज़ाइनर कहलाना चाह रही है और आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि ये क्या इसने लंडे से कोई कपड़े निकाल के तो उसको ठीक कर दिया उसकी मेहनत का यू you नो know, अकल भी तो देखे ना कि उसने कितने छोटे वसाइल में क्या कुछ कर लिया एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ आई मीन दे हंड्रेड एंड वन ऐसे बिजनेस जो बच्चे बच्चियों ने शुरू किए हैं जिनके ऊपर सिर्फ तनकीद होती है उनको पॉजिटिविटी की तरफ भी तो लेकर आओ सो so, मैं समझती हूँ कि इट्स इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हम लोगों को उनको आगे बढ़ने में मदद दें उनको आ, उनको राह दिखाएं आ, ये मेरा फर्ज है ना करना या करना उनका प्रोगेटिव है मतलब मैं अपने अमाल की ज़िम्मेदार हूँ मैं भट्ट साहब के अमाल की ज़िम्मेदार नहीं हूँ कौन है भट्ट साहब आपकी कोई वाकफ़ नहीं आखिरी सवाल ऐसी क्या एक दो तीन सिफात हैं इस सरजमीन की इस मिट्टी की इस मुल्क की जिनसे आपको इश्क है कामयाबी अपनी जगह वो तो आपने अपना काम किया लेकिन ऐसी कुछ इनहेरेंट चीज़ें हैं इस मुल्क में या लोगों में जिनसे आपको इश्क है है कोई ऐसी अच्छा बताए वेरी रिसेंटली लोगों ने शायद कोविड की वजह से आ, जो बाहर जाते थे वो मुल्क के अंदर घूमने फिरने तो हमारा जो टूरिज़म है वो बहुत बढ़ गया ऐसी ऐसी जगहों पर जाते हैं फिर वहाँ से तस्वीरें भेजते हैं खुशी होती है ये देख के कि मुझसे कभी कोई पूछता था कि आपने कहाँ जाना है तो ऐसी जगह पे जाना मुझे बहुत पसंद है जहाँ पर आपको बहते हुए पानी की आवाज़ आ रही हो आपको पहाड़ नज़र आ रहे हों आपको और अगर मैं नहीं जा सकती मेरे पास वसाइल नहीं है तो मेरा एक घर का जो एक पौधा है एक दरख्त है जिसमें मुख्तलिफ परिंदे आके बैठते हैं आई मीन ये सारी चीज़ों को देखो तो सही अप्रिशिएट तो करो हमारे मुल्क में जगह जाओगे वहाँ पे आपको अच्छा नज़र आएगा लोग अच्छे हैं ठीक है मैं अपने लीडरान की बात नहीं कर रही हूँ लेकिन जनरली स्पीकिंग मासूम लोग हैं इसीलिए वो बेवकूफ़ भी बन जाते हैं ठीक है लेकिन मतलब अपने घरों में ले जाएंगे चाय पिलाना शुरू कर देंगे इसलिए नहीं कि मैं कोई मेरी मुझे पहचानते हैं लोग बल्कि वैसे भी लोगों को ले जा रहे होते हैं अब मैं ये शक करूं अच्छा मुझे घर लेके जाएंगे कहीं लूट तो नहीं लेंगे Uh, मेरा पर्स जो है ना ये मैं गाड़ी में छोड़ जाती हूँ क्यों और वो कितना आपने को इसमें क्वीन विक्टोरिया का आपने क्राउन रखा हुआ है और अगर ले भी लिया तो कोई कोई चीज़ बेहतरी के लिए हो रही होती है सो मैं समझती हूँ कि हमारे मुल्क में तमाम हम मौसम देखते हैं सर्दी गर्मी ख़िजा बहार अभी सब शोर मचा रहे हैं कि गर्मी ज़्यादा जल्दी आ गई बाहर नहीं आई लेकिन जाकर तो देखें कितने खूबसूरत फूल लगे हुए हैं खाना यू you नो know, लोग खाने के शौकीन है और अब यू नो ऑल ऑफ अ सडन डिफरेंट खानों की बातें हो रही होती हैं इतने खाने इतने खाने की और लाहौर में तो सिवाय खाने के और कुछ होता ही नहीं है अब थोड़ा सा और आगे निकल जाइए मुझे तो अपने मुल्क से इश्क है ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि चैनल में बैठी हुई हूँ दस हज़ार लोग देखेंगे कि ये लेकिन ये आज से नहीं है उस वक्त से है जबकि हम ट्रेन में सफ़र करते थे और कराची से लड़काना जाते थे और रात को ट्रेन पहुंचती थी और घोड़ा गाड़ी जिसको उसमें सामने दो लाल ट्रेन लगी हुई और जो ज़मीन जो सड़क थी ना वो पत्थरों की बनी हुई थी तो उसमें वो टक 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 और वो मतलब इट इट्स सो ब्यूटीफुल आई मीन मैं छोटी थी मुझे मैं उन बातों को सोचती हूँ तो मुझे वो चीज़ें खूबसूरत लगती हैं मोहन जो दारो जो था ना वो इस तरह हम लोग जाके देखते थे और जाके ना चीज़ें देख रहे होते थे अब जाके देखो उस बेचारे का बुरा हाल ही कर दिया है लेकिन चलो फिर भी कुछ है अभी भी हम अपने बच्चों को उसके बारे में बताते हैं बच्चों को पढ़ाना चाहिए किताबों का शौक़ लोग बच्चों को कम होता जा रहा है वो ज़रूरी है मैं अब जब किसी छोटे शहरों में जाती हूँ तो वहाँ पे मैं देखती हूँ ना मुझे आप कह रहे हैं क्या इश्क है इश्क ये है कि आज भी नाना नानी दादा गाँव के बड़े उनके आसपास लोग बैठ के जब बातें कर रहे होते हैं चाहे वो पॉलिटिक्स ही कर रहे हो तो कहती हुए क्या अवेयरनेस आ गई है भाई रिक्शे वाले से आप बात करें तो वो ये नहीं कहता कि महंगाई तो बहुत बढ़ गई है बाजी लेकिन देखिए फला ने इतना बुरा किया है पहले ऐसे नहीं किया आप उनको जानते है? नहीं बिल्कुल नहीं जानता हूँ सो यू नो दिस दिस इज़ सो ब्यूटिफुल आई मीन इट जब तक हम हैं हमें अपने अपने लोगों से इश्क होना चाहिए अपनी ज़मीन से इश्क होना चाहिए उसकी बेहतरी के लिए करना चाहिए क्या क्यों नहीं ऐसा हो सकता कि मैं जाते हुए अगर कोई कागज़ का टुकड़ा देखूँ तो मैं उठा के उसको कहीं कोने में रख दूँ बिन नहीं है मिसाल के तौर पर अपने हाथ में रख लो अपने घर जा के कर लो घर साफ चमचम -चम कर रहा होगा और घर के बाहर जो है वो मुझे इससे भी इश्क है क्योंकि मैं समझती हूँ कि इस चीज़ को भी बेहतर करने में कोई मुश्किल नहीं लग सकती आपके वक्त का बेतहा शुक्रिया आप खुश रहें आबाद रहें सेहतमंद रहें और ऐसे मुस्कुराती रहें और हमसे मिलती रहा करें थैंक यू सो मच गॉड चाय चाय बिल्कुल है